वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैरी क्रिसमस टू ऑल। क्रिसमस स्पेशल जो डॉल होती है क्रिसमस डॉल वही बनाएंगे। बनाने में हम लोग यहाँ पे सर्कल मास्टर यूज़ करेंगे, कुछ इस प्रकार का होगा। सर्कल बनाने के बाद हम लोग फेयर करेंगे जेल पेन से, एक बार कर थोड़ा थोड़ा करके पेंसिल में करेंगे, फिर उसको फेयर करेंगे पेन से, फिर उसको रब कर देंगे। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाती हूँ वही यहाँ पे हमने दिखाया है। मास्टर से जब हमने राउंड बनाया तब एक क्रॉस कर लिया था जो प्लास टाइप का है, क्योंकि आई माउथ और नोज़ का पोजीशन जो है वो ठीक करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वहाँ पे ठीक ठाक नोज़ आईज ईयर वगैरह नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा दिखाया है। आप वो फिगर भी कैसे बनाया उसका भी मैंने थोड़ा बहुत पेंसिल से हाईलाइट किया, फिर उसको फेयर भी किया है। एक छोटा मोटा जो भी राउंड है मैंने सर्कल मास्टर ही यूज़ किया है, क्योंकि छोटा छोटा जो राउंड है वो हाथ में भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे सर्कल मास्टर यूज़ करना है, तो इसीलिए मैंने कोई भी प्रकार का राउंड है हमने यहाँ पे सर्कल मास्टर ही यूज़ किया है। और आप देख सकते हो कि दो जो आई है उसके पैरेलल में एक दो लाइन टना हुआ है, उसका ऊपर मैंने निक बनाया, फिर हमने धीरे धीरे करके पूरा फिगर को बनाया। पहले हाईलाइट कर लिया पेंसिल से, बहुत सी लाइट कलर करके हम लोग यूज़ करते हैं, फिर हमने उसी बेसिस पे फिर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर हम लोग लेग बनाया कुछ इस प्रकार की। हाईलाइट करने के बाद उसको जेल पेन जो है उससे पूरा बॉर्डर कर लेंगे, फिर उसको इरेजर से रब कर लेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने आहिस्ता आहिस्ता किया है, कुछ भी स्किप नहीं किया है, आप देख सकते हो। मैंने जो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया है आप ट्राई कर सकते हो और कमेंट करके बताइएगा एक्चुअल आप लोग को हेल्प मिला कि नहीं। और अगर मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रही हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी करना। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मेरा जो वॉचिंग आवर है वो कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। सब्सक्राइबर कोटा जो है वो तो फिल कर लिया, लेकिन वॉचिंग आवर जो है वो बहुत ही कम है। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कर देना। पूरा रैप करने के बाद कुछ इस प्रकार की पेंटिंग बनी है। अब दूसरा वाला पेंटिंग ट्राई करेंगे। यहाँ पे सर्कल मास्टर के हेल्प से हम तीनों सर्कल बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। मिडिल जो सर्कल है उसको प्लस करके फिर आई बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पूरा पेन से उसको हाईलाइट कर लेंगे, पूरा फेयर कर लेंगे। नोज़ वगैरह आई वगैरह बनाने के बाद वो जो दो साइड में जो सर्कल है वो जो दो चोटी वाला लड़की होती है ना, कुछ उस प्रकार की कर्ली हेयर वाला, तो वही बनाएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको बनाया है, पहले वाला प्रोसेस के तरह ही है। सो यहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमने यहाँ पे पेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगाया, सो हमने यहाँ पे कलर जो किया है बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ किया है कलर, तो आप लोग बने रहिए एंड तक। Thank you.
ये जो डॉल दिख रही है जो मैंने बनाया एक क्रिसमस डॉल SVG है, तो यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे हमने दिखाना था कि सर्कल मास्टर से कैसे डॉल बनती है, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया सर्कल मास्टर कैसे यूज़ करती है। हमने यहाँ पे कलर यूज़ किया है जो लिटिल आर्टिस्ट का ब्रश और निप टाइप का दो साइड में मिलती है उसी से, तो यहाँ पे कलर करने में बहुत मज़ा आती है। लेकिन स्केच पेन टाइप का है तो स्प्रेड करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप तब क्या करना, दूसरे जो जेल पेन मिलती है उसी के ऊपर बॉर्डर कर लेना तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम फेस कलर ट्राई करेंगे। फेस में हम ब्राउन, डीप ब्राउन जो है वही करेंगे, क्योंकि मुझे ये अफ्रो गर्ल बनाना है, मतलब नीग्रो का ब्लैक कलर स्किन वाला। तो यहाँ पे देख के लग रही है कि पूरा काला हो गया, लेकिन ये एक्चुअली डीप ब्राउन है और लाइट के जो रिफ्लेक्शन होती है उसके लिए ये काला दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। लास्ट में हम थोड़ा बहुत इसको वाइट से हाईलाइट किया है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, इसके कलर के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ड्राइंग देखना था, दिखाना था कि कैसे इसको बनाती है। कलर तो कोई भी कर लेगी, तो आप कमेंट करके बताना कि कलर के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके अगर दिखाना है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर यहाँ पे टोपी और जो क्लोथ है उसको हमने रेड कलर दिया, क्योंकि जो सांता क्लॉस का यूनिफॉर्म होती है ना वो पूरा रेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले हमने इसको बॉर्डर कर लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि एक बार कलर करने के बाद दूसरे बार जब उसी कलर के ऊपर कलर बैठाता है वो डीप हो जाती है कुछ इस प्रकार की। तो दूसरा वाला जो डॉल है इसमें हमने वाटर कलर इस्तेमाल किया है। फेस में जो ब्राउन कलर यूज़ किया हूँ वो फूजी कलर है, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो हमने बना चुके हैं कैसे यूज़ करती है, तो यहाँ पे हमने कोई डिटेल्स नहीं डाला है। जो ब्राउन कलर दिख रही है इसका थोड़ा सा लाइट बनाया, क्योंकि पहला वाला जो है डार्क हो गया तो लग रही थी कि बहुत ज़्यादा काला, लेकिन नहीं है। यहाँ पे जो बनाया थोड़ा सा वाइट कलर का, और यहाँ पे जो रेड कलर है वो हमने फैब्रिक कलर इस्तेमाल किया है क्लोथ बनाने के लिए, और यहाँ पे जो हेयर और बेल्ट है उसको हमने ब्लैक फैब्रिक कलर इस्तेमाल किया है, लेकिन वो दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि तब मेरा कैमरा बंद थी, मुझे याद भी नहीं है, बाद में पता चला कि वो स्किप हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से हम यहाँ पर रेड कलर कर रही हूँ उसी तरह से धीरे धीरे जहाँ जहाँ आपको ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है वहीं पे आप कर लेना। अगर वीडियो देखते देखते अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कॉमेंट भी करना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद वाइट कलर का जो है कहीं कहीं पे स्प्रेड कर गया है तो वहाँ पे हमने वाइट कलर डाल के फिर उसको ठीक कर देंगे कुछ इस प्रकार की। वो जो मैंने कहा था कि हाईलाइट करना है दूसरे वाला में, तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि थोड़ा थोड़ा करके हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है वाइट कलर के ऊपर। तो यहाँ पे जो वाइट कलर का हाईलाइट किया हुआ है तो आप देखेंगे पहले वाला पिक्चर और दूसरे वाले में थोड़ा सा फर्क नज़र आएगी, क्योंकि वाइट कलर का जो हाईलाइट है उसमें थोड़ा सा पिक्चर खिल रही है। पहले वाला जो पिक्चर की बात कर रही हूँ उसी का आप कंपेयर भी कर सकते हो। दूसरा वाला जो डॉल है यहाँ पे हमने फिर से जेल पेन से बॉर्डर कर रही हूँ, क्योंकि वाटर कलर जो है किया था तो उसमें कवर हो गया, ढक गया है कलर, तो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है। क्योंकि आपको कोई भी पिक्चर बनाना है तो थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट वगैरह बॉर्डर वगैरह करने से क्या है पिक्चर थोड़ा सा खिलती है, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे वाइट जो कलर यूज़ कर रही हो वो आप फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो आप जो पेन वाला जो वाइट कलर मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने दोनों वाला ही यूज़ किया है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने दो दो मेथड इस्तेमाल किया है, एक है लिटिल आर्टिस्ट का जो स्केच पेन मिलती है, और दूसरा जो पेंटिंग है वो वाटर कलर के ऊपर हमने बनाया है। सो आप कंपेयर करके बताना कौन सा वाला पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई और क्यों आई है
वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने कोशिश किया है पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने की, और आपको हेल्प मिला कि नहीं वो भी बताना। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।